तो देखो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नमाला 5 समांतर श्रेणी 10वीं क्लास में। ये टॉपिक लगता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से बोर्ड के एग्जाम में। समांतर श्रेणी, तो सबसे पहले तो समांतर श्रेणी का पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है, क्योंकि श्रेणियाँ कई प्रकार की होती हैं, गुणोत्तर श्रेणी भी होती है और योगानुपात में भी आती हैं। तो ये है हमारे पास समांतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर सदैव हमेशा समान बना रहे, समांतर श्रेणी कहलाती है। पदों का ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों के बीच का अंतर समान रहे, वही समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, इसमें देखें हम, इसमें और इसमें 3, 5, 7, 9, 11 और भी कोई ले सकते हैं, 8, 16, 24, 32, 35, 40, इस प्रकार से सभी में देखिए, इस पद में और इस पद में 2 का अंतर है, इस पद में और इस पद में 2 का अंतर है, इस पद में और इस पद में 2 का अंतर है, इस पद में और इस पद में 2 का अंतर है, यानी सभी पदों के अंदर 2-2 का अंतर है। यदि 2-2 का अंतर है तो फिर इनका सार्व अंतर समान हुआ, जो अंतर है सभी पदों में उसको बोलते हैं सार्व अंतर। जो पदों के बीच में अंतर आएगा सभी के अंदर, उस अंतर को हम बोलते हैं सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर सभी का अंतर समान होना चाहिए। सार्व का मतलब सभी का, अंतर मतलब डिफरेंस, बराबर होना चाहिए, वही श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे इसमें भी देखें हम तो 2-2 का अंतर आ रहा है सब में, इसमें देखें तो भी 2-2 का अंतर आ रहा है, 8-8 का, इसमें 8-8 का अंतर आ रहा है, 16 में 8 का अंतर है, 16 में 24 में 8 का अंतर है, 24 में 32 में 8 का अंतर है, 32 में और 40 में भी 8 का अंतर है। तो यहाँ पर सभी पदों में 8-8 का अंतर आ रहा है, तो जो अंतर आएगा उसको बोलते हैं हम सार्व अंतर। सार्व अंतर का संकेत जो है उसे हम बोलते हैं डी, सार्व अंतर का संकेत है डी। यहाँ पर श्रेणी में जो पहला पद आता है प्रथम पद को बोलते हैं ए, और जो श्रेणी के अंतिम पद है, जो लास्ट में जो पद आया है उसको बोलते हैं अंतिम पद को ए एन। या इसको एल भी बोलते हैं, लास्ट पद को एल भी बोलते हैं। और पदों की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं एन, और पदों का जो योगफल होगा उसको बोलते हैं एस एन। ये इतनी चीज़ें अच्छी तरह से आपको पता होनी चाहिए तो क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। सार्व अंतर को डी बोलते हैं, जो इनके बीच में अंतर है, जैसे इनमें सब में 2-2 का अंतर है तो डी का मान 2 हो गया, इन सब में भी 2-2 का अंतर है तो डी का मान 2 हो गया, इन सब में 8-8 का अंतर है तो डी का मान 8 हो गया। अगर इसमें पूछे कि डी का मान क्या है तो डी बराबर 2 है, इसमें पूछे डी का मान क्या है तो 2 है, इसमें पूछे डी का मान क्या है तो 8 है, ये कहलाता है सार्व अंतर। ये समान होगा तभी समांतर श्रेणी होगी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्टकट में इसका संकेत लिया जाता है AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। शॉर्टकट में हम समांतर श्रेणी इतना बड़ा नाम नहीं लिख करके AP से दर्शा देते हैं इसको। अब जैसे कोई संख्या ऐसे आ जाए कि 8 आ जाए, 16 आ जाए, फिर 25 आ जाए, और फिर आगे 32 आ जाए, फिर आगे 48 आ जाए या 42 आ जाए, ऐसी जो श्रेणी है, जैसे इसमें 8 का अंतर है, इसमें आगे 9 का अंतर आ गया, इसमें आगे फिर 7 का अंतर आ गया, इसमें आगे फिर 10 का अंतर आ गया, इस प्रकार की जो श्रेणी है
ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी नहीं बोलते। जब पदों के बीच का अंतर समान नहीं होगा उस श्रेणी को समांतर श्रेणी नहीं बोलते। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हुई कि पदों का ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों के बीच का अंतर समान हो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। श्रेणी के प्रथम पद को ए से दर्शाया जाता है, अंतिम पद को एन से या एल से, और पदों की जो संख्या है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 5 पद हैं तो एन का मान 5 है, ये पदों की संख्या है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 हैं तो ये भी एन का मान 5 इसमें है। ये 5 या 7 या 10 या उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग समांतर श्रेणी में अलग अलग पद हमें क्वेश्चनों में दिए जाएंगे। पदों के योगफल की बात करें तो योगफल ऐसे जैसे इनको जोड़ें तो 2, 4, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30 इसमें ऐसा इनका मान 30 हो रहा है पदों का योग। इसमें 5, 3, 8, 7, 15, 15 और 20, 35 इसमें ऐसे इनका मान 35 हो रहा है। यानी पदों को जोड़ने पर जो योग आता है उसको बोलते हैं हम पदों का योगफल, संकेत है उसका SN। तो अब मैं क्वेश्चनों को लूँगा, क्वेश्चनों में से हम छोटी छोटी बातों को सीखेंगे। सर्वप्रथम जैसे हमारे सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, स्टार्टिंग में बेसिक नॉलेज है ये, ये चीज़ें तो याद रखनी हैं। श्रेणी का प्रारूप लिख देता हूँ सामने, AP यानी समांतर श्रेणी, पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, डैश डैश डैश, लास्ट पद को बोलते हैं AN। अब देखिए प्रथम पद को बोलते हैं ए, सर्व अंतर यानी कि A2 - A1 इसको बोलते हैं डी। ये निकालने का तरीका है कि दूसरे में से पहला घटाओ डी का मान आ जाएगा। और अंतिम पद को बोलते हैं AN, पदों की संख्या को बोलते हैं N, और पदों के योगफल को बोलते हैं SN। ये चीज़ें तो याद करनी है, याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए किसको क्या बोला जाता है, क्योंकि क्वेश्चनों में हमें नाम मिलेंगे, सवाल हमारे सूत्र से होंगे तो सूत्र में हमें संकेत मिलेंगे। तो यदि याद नहीं है तो प्रश्न में यदि अंतिम पद आ गया तो हम उसका मान कहाँ लगाएंगे। जैसे कि किसी समांतर श्रेणी का लास्ट पद या अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A+N-1 × D, अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र है ये, अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र। तो अंतिम पद तो हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब सवालों में हमें इस प्रकार से मिलेगा कि किसी श्रेणी का पहला पद 3 है, सर्व अंतर 2 है और पदों की संख्या 10 है, ज्ञात करना है हमें अंतिम पद यानी AN का मान, तो तभी कामयाब होगा तभी सूत्र, तो जब हमें ये चीज़ें पता होंगी। देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और बेसिक ज्ञान मैं दे देता हूँ आपको। जैसे आपको श्रेणी का पद निकालना हो दूसरा, यानी आपको A2 निकालना हो तो A+D होता है। जैसे आपको तीसरा पद निकालना हो A3 तो ये होता है A+2D। जैसे अपने को चौथा पद निकालना हो तो ये होता है A+3D। और यदि आपको पांचवा पद निकालना हो तो ये होता है A+4D। इतने एग्जाम्पलों से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, कि दो नंबर यहाँ पर हमें निकालना है पद, तो एक बार सर्व अंतर जुड़ेगा पहले पद में। अगर तीसरा पद हमें ज्ञात करना है तो सर्व अंतर को 2 से गुणा करके पहले पद में जोड़ा जाएगा। और अगर चौथा पद हमें निकालना है तो पहले पद के अंदर सर्व अंतर को 3 से गुणा करके जोड़ा जाएगा। और पाँचवा पद निकालना है तो सर्व अंतर को 4 से गुणा करके पहले पद में जोड़ा जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी पद ज्ञात करना होगा
उससे एक कम संख्या से, चार है पांच है तो चार से सर्व अंतर को गुणा करेंगे, चार है तो तीन से सर्व अंतर को गुणा करेंगे, तीन है तो दो से सर्व अंतर को गुणा करेंगे, दो है तो एक से सर्व अंतर को गुणा करेंगे। और यदि हमें श्रेणी का सौवां पद निकालना हो, यानी सर्व अंतर को सौ से एक कम की संख्या से गुणा करेंगे, यदि हमें पचासवां पद निकालना हो तो ए को 49D से गुणा करेंगे, यानी एक कम करके और सर्व अंतर को गुणा किया जाएगा और पहले पद में जोड़ने पर हमारा पद प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम पदों को ज्ञात कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, ये तो होता है स्टार्टिंग से जब पदों को ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से चलता है, लेकिन यदि आपको लास्ट से ज्ञात करना हो, लास्ट से ज्ञात करना हो श्रेणी, इस साइड से शुरू करें हम, लास्ट से ज्ञात करना हो तो जो ए है उनको एल बोला जाएगा, L1, L2, L3, L4, L5, LN। इस साइड से जैसे D घटा रहे, जोड़ रहे हैं हम शुरुआत से, उसका बिल्कुल उसमें उल्टा हो जाएगा। जब लास्ट से चलेंगे तो इसमें जोड़ना पड़ता है तो उसमें घटाना पड़ेगा। देखिए तो जैसे हमें L2 का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर लास्ट पद ये LN है, LN माइनस में D। अगर L5 ज्ञात करना है LN माइनस में 4D, ए सॉरी L, इस साइड से L लिया जाएगा, अगर इधर से शुरू करेंगे तो L लिया जाएगा, इधर से शुरू करेंगे तो A लिया जाएगा। A के साथ तो सर्व अंतर का जोड़ होगा, L में से सर्व अंतर का घटाव होगा। जैसे L3 ज्ञात करना है, L-2D, L4 ज्ञात करना है, L-3D, L100 ज्ञात करना है, L-99D। इस प्रकार से हम लास्ट से की अंतिम पद से कोई पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद से कोई पद ज्ञात करना हो तो इस हिसाब से ज्ञात किया जा सकता है, अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करना हो तो इस हिसाब से किया जा सकता है। दोनों में एक ही सिस्टम है, सिर्फ शुरुआत से करते हैं तो ए आता है यहाँ पर और प्लस किया जाता है आगे, और लास्ट से शुरू करते हैं तो एल आता है ए के स्थान पर और प्लस की जगह माइनस कर दिया जाता है। देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, छः, नौ, 12, 15 डैश 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 AN, ये हमारे सामने एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी में हमें A और D के मान ज्ञात करने हैं। आपको बताना है A और D के मान ज्ञात करो। तो देखिएगा, पहले पद को बोलते हैं इसलिए A का मान आ जाएगा 6। डी का मान ज्ञात करने के लिए आपको बताया अंतर बताना है, दूसरे में से पहला घटा दें, यानी A2 में से A1 घटा दें। ये आपको बताया, ये A1, A2, A3, A4 ऐसे हैं ये। तो फिर दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, डी आ जाएगा 9-6, 3। तो इस प्रकार से हम A और D के मान बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखें, दूसरा क्वेश्चन है -7 -9 -11 -13
अब देखें ए का मान है, पहला पद पूछा है तो ए का मान माइनस का 7, डी ज्ञात करना है तो ए टू माइनस ए वन, यानी माइनस का 9 माइनस माइनस का 7। ये ध्यान रखनी है कि जब यहाँ संख्या माइनस की आएगी तो ये माइनस सूत्र में से आ गया, ये माइनस का 7 आ गया, माइनस 9 माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 7, यानी सर्व अंतर माइनस 2 आ गया डी का मान। तो इस प्रकार से हम पहला पद और डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखें, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 3/2 1/2 भिन्न का क्वेश्चन एक करवा देता हूँ। 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 ये श्रेणी है। इसमें देखें ए का मान है हमारे पास 3/2 पहला पद है। अब डी का मान ज्ञात करना है तो ए टू में से ए वन घटाएंगे, ए टू का मान है 1/2 माइनस में आ गया 3/2, लघुत्तम लेंगे, दोनों के बटा में 2 है तो लघुत्तम आ गया 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, ये आ गया माइनस 2 बटे 2 माइनस का 1। क्योंकि पता है हमें भाग देते समय माइनस में प्लस का भाग दें तो माइनस आता है, माइनस में माइनस का भाग दें प्लस आता है, प्लस में माइनस का भाग दें माइनस आता है, प्लस में प्लस का भाग दें प्लस आता है। जब भी संख्याएं विभाजित करें तो निशानों का ध्यान जरूर रखें। जैसे कि यहाँ माइनस 2 को प्लस 2 से भाग दिया है तो माइनस 1 आया है। एक जैसे निशान जब भी आपस में परस्पर विभाजित होंगे प्लस आएगा, और अलग अलग निशान जब भी विभाजित होंगे तो माइनस आएगा। ध्यान रखने वाली बात है, गणित में जहाँ भी आप जाओगे निशान कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। निशानों को सही प्रकार से समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चन निशानों की वजह से ही गलत होते हैं, निशान से इसे पता नहीं होता। बाकी गुणा भाग जोड़ घटाओ तो बच्चे ज़्यादातर कर ही लेते हैं। प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ निशानों में आती है, जिनको मैं बार बार गुणा में जोड़ घटाओ में भाग में बार बार इन्हीं पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए का मान माइनस 1 है और डी का मान हमें दिया गया है 1/2। एपी के यानी समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करो। एपी के 4 पद ज्ञात करो, तो पता है अपने को ए टू के लिए होता है ए प्लस डी। यहाँ जितना भी मान निकालना है उससे एक कम करके डी से गुणा करके जोड़ना है पहले पद में। अब ए का मान है माइनस का 1 और डी का मान है 1/2। ये तो सीधा सबको पता है, ये आधा है, ये एक है, एक माइनस का है, आधा प्लस का है, आधा बच जाएगा माइनस का। वैसे हम लघुत्तम लेके गुणा करते हैं तो 2 लघुत्तम बटा में कुछ नहीं तो 2 एकन 2 माइनस का, प्लस 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 1, माइनस का 2 प्लस का 1 है तो माइनस 1 बच गया, बटे में 2 आ गया। ये दूसरा पद हम ज्ञात कर दिया, 4 पद ज्ञात करने हैं तो तीसरा पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 2d आएगा, क्योंकि यहाँ तीसरा पद ज्ञात करना है तो एक कम करके d से गुणा करना है इसको और पहले पद में जोड़ना है। तो पहला पद है हमारे पास a का मान माइनस का 1 प्लस 2 गुणा d का मान है 1/2, 2 से 2 कैंसल, ये माइनस 1 ये प्लस 1 0 आ जाएगा तीसरा पद। और चौथा पद देखें, a4 a प्लस 3d लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ चौथा पद निकालना है, इससे 1d कम 3d हो जाएगा, पहले पद में जुड़ जाएगा। a का मान कितना है हमारे पास माइनस का 1 प्लस d का मान है 3 गुणा d का मान है 1/2, ये माइनस 1 आ जाएगा, प्लस ये 3 एकन 3/2 आ जाएगा,
अब फिर लघुत्तम लेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं, इसके बटा में दो है तो लघुत्तम दो ही आएगा। जब बटा में कुछ नहीं तो सीधा गुणा किया जाता है, माइनस दो को माइनस एक को दो से गुणा करें, माइनस दो प्लस दो का दो में भाग देंगे एक आएगा, एक को तीन से गुणा करेंगे तीन आएगा। अब देखिए प्लस का तीन है, माइनस का दो है, घटाओ होगा तो प्लस का एक बचेगा, बटे में दो आ जाएगा। अगर आगे हमें पांचवा पद ज्ञात करना हो तो a प्लस चार डी आ जाएगा, तो a का मान माइनस एक है, प्लस चार गुणा डी का मान एक बटे दो है, ये माइनस एक, दो दूनी चार, दो एकन दो प्लस का आ गया, माइनस का एक है तो प्लस का एक बच जाएगा। यानी एपी के चार पद या एपी हमसे पूछी है तो हम लिख सकते हैं, पहला पद माइनस एक दिया हुआ है, दूसरा पद हमारे पास आ गया माइनस का एक बटे दो, तीसरा पद आ गया हमारे पास जीरो, चौथा पद आ गया हमारे पास एक बटे दो, पाँचवा पद आ गया हमारे पास एक। इस प्रकार से हम एपी को लिख सकते हैं, यानी समांतर श्रेणी को। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में।